Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision-making. This is module number 181 and we're going to talk about when and why you have to take breaks. Taking breaks would mean that in your routine, you a in focused attention, which is also known as the me time, which can also be a part of your bucket list. You have to be careful इन योर मी टाइम योर फोकस एंड एंटेंशन शुड ओनली एंड ऑलवेज बी ऑन योर ओन सेल्फ सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स इस ब्रेक कॉन्टेक्स में जब हम चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इट वॉज विस्ड के चेंज एंड नोवल्टी इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी हर शख्स को एक तब्दीली की जरूरत है और रोज की रूटीन से निकल कर, जब आप अपने आप को कुछ देर किसी तब्दीली के साथ वाबस्था करते हो तो उससे ऑब्वियसली यू बिकम रिफ्रेश

आप उस तब्दीली के साथ व्यवस्था होकर अपने आप को बेहतर की तरफ कर, वो जा सकते हो अब उस तब्दीली को लेकर आने के लिए देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट दस्ट वन इज के आउट ऑफ योर डेली रूटीन में बी यू हैम वोकेशन जिसमें जाने से आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगी आपको एक इनर बूस्ट इनर ट्रिगर मिलेगा एंड यू विल बी बेटर एबल टू कंट्रीब्यूट सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जब आप डिस्कस कर रहे हो टेकिंग ब्रेक के एस्पेक्ट को तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ यू हैव टू बी विद योर ओन सेल्फ यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन वेल बींग और ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं ताकि हम दूसरों की वेल well बींग के लिए वो काम कर सकें बिकॉज अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो तो हाउ डू यू क्लेम दैट यू कैन टेक केयर ऑफ द अदर पीपल को भी अपनी कंसिडरेशन में रखें हमने फोर वे विन्स में भी बात की थी अवर फोर वेज आर बेसिकली जिससे कि हम रोजमर्रा जिंदगी में स्टेक होल्डर के साथ डील करते हैं आर बेसिकली इंक्लूडिंग यूर ओन सेल्फ द प्रोफेशन द कम्युनिटी एंड द फैमिली तो इसमें जो आपकी अपनी जात है, that is obviously having a major stakeholder partnership contribution जिसके ऊपर आपको ही focus वो करना होगा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमें सोचना है मेंटल रिलीफ uh, आपको कुछ अपने जहनी एंगजाइटी को वो खत्म करना है आपको अपने आप को रिफ्रेश करना है ताकि आप एक हेल्दी वर्क डे की तरफ वो जा सको और उस हेल्दी वर्क डे की तरफ जाने के लिए ऑब्वियसली समाइम्स यू नीड टू हैव सम टाइम ऑफ और उस टाइम ऑफ में आप अपनी माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस कर सकते हो आप मेडिटेशन कर सकते हो आप फोकस अटेंशन अपनी लेकर आ सकते हो ताकि आपके जो कंसर्न्स हो जब आप लोगों को डील करो तो वह बेहतर तो डील कर सको अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एट द सेम टाइम जहां पर हम ब्रेक्स का जिक्र कर रहे हैं आपको अपनी लिमिट्स को भी पहचानना है यह बात याद रखिएगा कि आपके पास हर मसले का हल नहीं है याद रखिएगा कि आप हर शख्स को इक्वली और इक्विटेबली ट्रीट नहीं कर सकते देअर फोर यू शुड नो यू शुड मैयर योर ओन लिमिटेशन आपकी कंपिटेंसी क्या हैं, आपकी प्रोफेशनसी क्या हैं, किन एस्पेक्ट्स में यू कैन डू बेटर और कहां पर आपकी लिमिट्स वो स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज आफ्टर डिफाइनिंग योर लिमिट्स इट वुड बी बेटर फॉर यू टू डील विद द पीपल जो आपके ऊपर इन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि एक मोनोटनस रूटीन से निकलकर जब आप चेंज और नोवल्टी की तरफ जाते हो तो दैट गिव अटर दैट गिव एनर्जी और उस एनर्जी को फिर हम कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं बैक इन अवर रूटीन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड Thank you.